अब तक के पैरेलेक्स 2 के एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा सकुना एक एक करके सारे हीरोज को लॉक टेक्निक से एक बक्से के अंदर कैद कर देता है और उसे बक्से की पावर अपने अंदर समा लेता है, जिसकी मदद से वो फ्रैंकलिन, बाउंटी डैडी और मल्टीवर्स के सारे पैरेलेक्स की ताकत के साथ एक बहुत ही बड़ा ओरा क्रिएट कर देता है, जिससे सकुना एक पैरेलेक्स सकुना में अपग्रेड हो जाता है। अब आगे, ये तो बहुत गलत बात है सकुना, तुमने मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था तुमने उसे तोड़ दिया। मैंने तुम्हें 5 शैतान दिए थे और 5 में से बस मैं अकेला बचा हूँ। मुझे समझ में आ गया, तुम लॉक टेक्निक से जिन जिन लोगों को कैद कर रहे हो उन्हें निकल रहे हो और तुम्हें उनकी पावर्स चाहिए, और अगर तुम्हें उनकी पावर्स चाहिए होगी तो मुझे मारना होगा। तुमने मेरे 4 शैतानों को निकल लिया, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, और शैतान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट तुम करते हो अगर वो तोड़ते हो तो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम दुनिया के सबसे खतरनाक सकुना हो, मॉन्स्टरों के बेताज बादशाह। तो ये गलत फहमी है, तुम्हें इस गलत फहमी से मैं बाहर निकालता हूँ। चलो, मुझे तो कहा गया था फ्रैंकलिन को कैद करने का, वैसे ही गोजो ने किया, लेकिन गोजो सकुना के भाई सुकानो को जिंदा करने गया है और मुझे बदला लेना है सकुना से। उसने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, मेरे 4 शैतानों को मार के उनके अंदर के होस्ट को निकल के उनकी सारी ताकतें छीन ली। ये हमारे शैतान के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, तो मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ फ्रैंकलिन। मुझे पता है कि ये शैतान के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, लेकिन सकुना ने भी जो हमारे साथ किया है वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ था। तो लॉक टेक्निक रिलीज। आओ मेरे फ्रैंकलिन, आओ, आजाद हो के कैसा लग रहा है? क्या कहा, मैं आजाद हो गया, लेकिन मैं तो कैद था लॉक टेक्निक के अंदर। वेट अ सेकंड, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हीने मुझे कैद किया और तुम ही मुझे आजाद कर रहे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है बताओ? लगता है इसके पीछे तुम्हारे बहुत खतरनाक इरादे हैं। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम जो भी हो आ जाओ मेरे सामने। तुम बहुत ही बोलते हो, मैंने तुम्हें आजाद किया है। हम शैतानी ट्रेजर है और हमसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट से तुम भटक गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन सकुना ने सारी हदें पार कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। और इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मुझे तो लगा तुमने मुझे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। क्या तुम अच्छे हो या बुरे हो? ना तो मैं अच्छा हूँ ना तो मैं बुरा हूँ। मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ। समझ में आया? मतलब तुम वही मानते हो जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। तो क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे? मुझे एक ऐसा शैतान चाहिए जो कि सकुना को कैद कर सके लॉक टेक्निक से। क्या ये हो पाएगा? क्या कहा तुमने? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तुम मुझसे कह रहे हो सकुना को कैद करना? पागल वागल हो गए क्या? तुम्हें लॉक टेक्निक के बारे में कोई अंदाजा भी नहीं है और तुम दुनिया के सबसे बड़े शैतान को लॉक टेक्निक से कैद करना चाहते हो? ये इम्पॉसिबल है। तो मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। मैंने लॉक टेक्निक को सीख लिया है और तुम्हें बता दूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक टीम फॉर लाइटर, यानी एक सुपर हीरो होने के नाते मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जो कि मुझसे और बाकी लोगों को मुझसे अलग ठहराती है, जो कि है सीखने की ताकत। मैं हर चीज को बहुत जल्दी सीख लेता हूँ। मैंने सकुना को और गोजो को और तुम्हें लॉक टेक्निक करते हुए सीख लिया है और मुझे पता है कि तुम लोग उसमें क्या गलती करते हो। एक चीज है जो कि तुम बहुत गलत करते हो, लॉक टेक्निक को तुम पूरी दिल से यूज नहीं करते, और अगर तुम पूरे दिल से किसी टेक्निक को यूज करोगे तो वो टेक्निक की जो शक्ति है उसकी क्षमता है 100 तक बढ़ सकती है, लेकिन तुम अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारे अंदर ना तो दिल है, ना तो जज्बा है, ना तो इमोशन है। तुम बस एक शैतान हो जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हो, और जो भी सामने वाला बंदा है उसके पास भी ना तो दिल है, ना तो इमोशन है, ना तो उसको किसी के लिए लड़ना है, किसी के लिए ना मरना है। तो मैं ये लॉक टेक्निक और 100 बढ़ा के मैं सकुना को लॉक करने वाला हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा शैतान है जो मुझे इसमें मदद कर सकेगा? तो मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ। अगर तुम मुझे एक ऐसी ट्रेजर शैतान दोगे जो कि मैं सकुना को लॉक करने के लिए यूज कर सकूं, तो मैं तुम्हें सकुना के भाई सुकानो को जैसे ही जिंदा हो जाएगा तो तुम्हारे पास लॉक कर दूंगा, और बस तुम्हें गोजो के अंदर की वो शैतानी ताकत जिसने सकुना को पावरफुल बनाया है और गोजो को सकुना का गुलाम बनाया है, उस ताकत को तुम्हें नष्ट करना होगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे दोस्त कहां पे है? तुम्हारे दोस्त सकुना के अंदर है, उसने सारे तुम्हारे दोस्तों की पावर छीन ली। मुझे नहीं पता कि तुम इंसान के साथ बात करते हुए मुझ जैसे शैतान में इमोशन कहाँ से आने लगे। मैं समझ सकता हूँ फीलिंग्स क्या होती है। मतलब मेरे बाउंटी डैडी, मेरी मॉम, सारे के सारे सकुना के अंदर है। उतना ही नहीं, उसने मल्टीवर्स के सारे पैरेलेक्स की ताकतें छीन ली है। शिट, शिट, शिट। अब उसे रोकना नामुमकिन है। एक चीज
चीज हो सकती है। और वो क्या है? सकुना ताकतवर है, लेकिन उसने जो पैरेलेक्स की ताकतें छीनी है उसकी एक कमजोरी है, सारे पैरेलेक्स की आंखें। अगर तुम एक एक करके उन्हें फोड़ देती हो तो सकुना अपनी पुरानी ताकत में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, सकुना को उसके बारे में पता है। मतलब मुझे सकुना के अंदर जो भी आंखें हैं उन सारी आंखों को नष्ट करना है, तब जाके सकुना बहुत ही कमजोर पड़ जाएगा और वो अपने असली रूप में आ जाएगा, फिर मैं उसे लॉक कर सकूंगा। सही कहा, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पीछे देखो। वेट अ सेकंड, ये जिंदा कैसे है? नोवा, तुम आ गई, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? फ्रैंकली, मैंने इसके ऊपर जो वार किया था उसकी वजह से इसका बात करने का सिस्टम हिल गया है। कोई बात नहीं, तुम इसे बाद में ठीक कर लेना। नोवा, तुम खुश तो हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? ओ माय गॉड, इसकी हरकत से तो लग रहा है कि ये खुश है। आई नो, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन पा रहा, लेकिन गाइस हैशटैग नोवा ओपन द चैट, हमारे पास नोवा आ गई है। अब चलो सकुना को खत्म करते हैं। नोवा ट्रांसफॉर्म, हमें क्यूट क्यूट नोवा की जरूरत नहीं है, हमें बैडेस गर्ल की जरूरत है। शुरू हो जाओ ट्रांसफॉर्म। ऑसम, इसे कहते हैं बैडेस नोवा। और तुम्हें कुछ देखना है फ्रैंकलिन? और क्या देखना है? नोवा और क्या कर सकती है? तो देखो, नोवा ट्रांसफॉर्म, फ्रैंकलिन को मंजिल तक पहुंचाओ। वो ये क्या कर रही है? ऑसम नोवा, ये क्या बन गई हो? एक सुपर बाइक फ्यूचरिस्टिक। तो जाओ फ्रैंकलिन, जाके सकुना को रोकने के मिशन पे शुरू हो जाओ, क्योंकि सकुना क्या है तुम्हें नहीं पता, वो कभी भी अपना असली रंग दिखा सकता है। तुम्हारे पास एक मौका है और उसके लिए मैं तैयार हूँ। इट्स टाइम टू टीम फॉर लैंटर्न। अब मैं और नोवा दोनों मिलके सकुना को खत्म करेंगे, तुम बस इंतजार करना और मेरे लिए वो ट्रेजर बॉक्स ला देना जो शैतान सकुना को कैद कर पाए। ओके फ्रैंकली, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। सही कहा, चलो नोवा चलते हैं। मुझे पता है तुम बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम मेरी बात सुन जरूर सकती है। Awesome! लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है, हमें जाना कहाँ पे है नोवा? क्या तुम्हें पता है? ऑल राइट, मतलब तुम्हें पता है कहाँ पे जाना है? तो अब मुझे बस इंतजार करना है कि तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रही हो। गाइस, नोवा ओपी इन द चैट, क्या आप लोग चाहती हो कि नोवा हमारे साथ रहे? तो हैशटैग ओपी नोवा लिख देना, क्योंकि हमें नोवा को इस बार नहीं खोना है। ये मेरी मॉम का एक बेहतरीन तोहफा है, जो मेरी एक रक्षक है, मेरे लिए अपनी पूरी जी जान लगा सकती है, और ऐसे दोस्त और ऐसे लोगों का मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप सब लोग भी मेरे साथ हो, और आप सब लोगों का रोल भी मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी टीम फॉर शूट आर्मी, हम लोग 1 मिलियन के बहुत करीब है। सबके सब सब्सक्राइब बटन को दबाओ, क्योंकि अब हमें सकुना की पावर्स को जो दबाना है। सकुना, हम आ रहे हैं। नोवा चलो फुल स्पीड। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, एवेंजर्स कहाँ पे है? वेट अ सेकंड, मतलब एवेंजर्स होश में है? नोवा तुम्हें क्या लगता है? अरे अरे अरे, अरे क्या कर रही हो? वो मतलब हाँ, ओके ओके ओके, मैं समझ गया कि एवेंजर्स अभी होश में आ गए हैं। कोई बात नहीं, अब हम एवेंजर्स की हेल्प लेने के लिए वेट नहीं कर सकते, हमें सीधा गोजो के पास जाना है और गोजो को सकुना के भाई सुखाना को आजाद करने से रोकना है। अगर उसका नमूना भाई आजाद हो गया तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसे रोकने में सक्सेसफुल हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। नोवा इट्स टाइम टू फुल पावर। हम दोनों आ रहे हैं। सकुना तेरा काम होगा पूरा। ये क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे किसने बुलाया? अले हल्क, तू कैसा है मेरे भाई? मैं तो यहाँ पे होश में आ गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरे था क्या हो गया था। लेकिन चलो, हम लोगों ने किसी भी चीज को हला तो दिया होगा। हम लोग जीत गए एवेंजर्स, हम लोग जीत गए। अरे बैपली पढ़ने बीबी, हम लोग तो वो पैरेलिक से लड़ रहे थे और उसके वश में आ गए थे, मुझे पता है। हाँ विजन बाबू, हम लोग तो वो मैनिपुलेशन वाले पैरेलिक्स के वश में थे। हम लोग अचानक से आजाद कैसे हो गए समझ में नहीं आ रहा है। और ये टोनी कहाँ पे है? लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे यार, मुझे तो लगता है हम लोग उस मैनिपुलेशन वाले पैरेलिक्स के वश से बाहर आ चुके हैं। सर के सारे एवेंजर्स, तुमने सही कहा, हम लोग मैनिपुलेशन वश से बाहर आ चुके हैं। लेकिन जरा यहाँ पे आके देखो, एस्गार्ड की कसम, आवाज तो यहाँ से आ रही है। ये रहा टोनी। अरे बापली, क्या दिखाना चाहते हो टोनी स्टार? अले सलजी वहाँ पे है क्या? सलजी हम लोग जिंदा है, साले एवेंजर्स जिंदा है। आप क्या दिखाना चाहते हो? हम लोग जीत गए थे, कहा ना। सारे एवेंजर्स को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हम लोग बहुत टाइम से विलन बने हुए थे और हम लोग पैरेलेक्स के गुलाम थे। हमने शहर में बहुत ही गंदगी मचाई है, और हाँ मुझे तो लगता है हम जीते नहीं है, हम बुरी तरीके से हारे हुए हैं। वो देखो, हमारे हार का रिजल्ट वहाँ पे है। अले बाप, ले बाप, ये इतना ताकतवर कैसे बन गया टोनी ताल? मुझे तो लगता है हमारी वजह से ही वो इतना ताकतवर हो गया है, और अब हम आजाद भी इसीलिए हुए हैं कि उसने सारी पैरेलेक्स की सेना और उनकी ताकत को छीन लिया है। वो है सकुना।
ना द पैरेलैक्स। अल्ले बाप ले बाबा, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम नियत्ते हो चुके हैं। अल्ले वो सकुना तो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है, और मैंने अब तक बहुत सारे बुरे काम किए हैं। मैं ऐसे हाथ के ऊपर हाथ धले हुए नहीं बैठ सकता, भले मैंने स्पाइडर में काम नहीं कर ले है। टोनी स्टार्क, मैं आपकी तरह भागूंगा नहीं, और ये सारी चीजें मैंने आपसे ही सीखा है। मैं डाल रहा हूँ। रुक जाओ स्पाइडरमैन, हम हारेंगे। हल्क मारेगा उसे। हल्क नीचे गया है तो मुझे भी जाना होगा टोनी। वकांडा, वकांडा फॉरएवर। आई बैप लेट टू डिस्टैक, हम हार नहीं मान सकते। वंड बेबी चलो लड़ते हैं। सही कहा विजन बाबू, आ रही हूँ मैं। एस्गार्ड की कसम, ओडिन पुत्र थॉर तुम्हें खत्म करने आ रहा है। मैंने इन्हें कहा है हम लोग उसके सामने जीत नहीं सकते। अरे टोनी तुम भूल गए हो क्या, हम एवेंजर्स हैं, और हम एवेंजर्स कभी हार नहीं मानते, वो भी मरते दम तक। सही कहा, लेकिन जीतने के चांसेस बहुत कम है कैप्टन अमेरिका। तुम उसकी चिंता मत करो, चलो मैदान में उतर के उसकी सेना से लड़ते हैं। मैं आ रहा हूँ एज ए कैप्टन। अरे यार सारे के सारे कूद गए, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? अब मरना ही है तो साथ में मरते हैं। चलो एवेंजर्स असेंबल और टूट पड़ो। It is the man, final version, Sakuna the Parallax. मैंने बहुत सारे लोगों को खत्म किया है, और उनको खत्म करके मुझे ये ताकत मिली है। सारे के सारे 8 मल्टीवर्स के पैरेलेक्स की ताकत छीन के मैंने उनकी आंखों को अपना हथियार बनाया है। और अब मैं पूरी दुनिया के ऊपर राज करूंगा, मुझे यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है। ओह माय गॉड, लगता है एवेंजर्स होश में आ गए हैं। और फ्रैंकलिन मेरे भाई को आजाद होने से रोकने जा रहा है। इनको लग रहा है सकुना कुछ नहीं देख सकता, लेकिन मेरे पास पैरेलेक्स की 8 आंखें हैं, और यही 8 आंखें मेरी ताकत बनने वाली है। और अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि सोचो मत, तुम लोगों को मैंने पूरा निहत्ता कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को मुझसे लड़ना है। लेकिन क्यों? मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ, मुझसे तुम लोगों को डरना चाहिए। मैंने बाउंटी डैडी की ताकत हासिल की, मैंने फ्रैंकलिन की मॉम को कैद किया, और मैंने उन सब की ताकत छीन ली है। तो मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। थोड़ा सा एक नमूना देख लेते हैं, कोई है यहाँ पे जो मुझे रोक सकेगा? मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है, और इन एवेंजर्स को रोकने के लिए मुझे अपनी सकुना द पैरेलेक्स की छोटी सी सेना भेजनी ही होगी। लगता है खेलने का मजा तो तभी आएगा जब मैदान में कोई नौसिखिया लड़ेगा, और वो नौसिखिया है एवेंजर्स। क्योंकि जब मैं एक कर्स पावर सकुना था तो मैं इतना ताकतवर था, तो आज मैं पैरेलेक्स की सारी ताकतों के साथ कर्स ताकतों को भी मिक्स कर चुका हूँ। तो मेरी आज की ताकत की लेवल क्या होगी, ये एवेंजर्स को समझ में नहीं आता। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है एवेंजर्स। तुम लोग तो अब घुस चुके हो मैदान में, तो मैं भी पूरी दुनिया में तबाही मचाऊंगा। देखते हैं सकुना द पैरेलेक्स को रोकेगा। सकुना तुम सबके जीवन का छीन लेगा पूरा खाना पीना। पता है बहुत घटिया राइमिंग जुड़ाया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। चलो सेना तोड़ने का टाइम आ चुका है एवेंजर्स। तुम सब के लिए मैं अपनी सबसे ताकतवर सेना भेज रहा हूँ। देखो कैसे लड़ते हो तुम, और मैं मजे लूंगा यहाँ पे इन इंसानों को मारने में। क्योंकि मुझे रोकने वाला तो कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। और एक और चीज मुझे करनी है, तुम सबको लग रहा होगा कि मैंने ये ताकत हासिल की है बस तबाही मचाने के लिए। नहीं 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 नहीं, मेरा मकसद कुछ और था। मैंने ये जो ताकत हासिल की है उसके लिए मेरी पावर्स बहुत कम थी, और मैं जो करना चाहता था उसके लिए बहुत 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 एनर्जी की जरूरत होती है। मैं चाहता हूँ ये पूरी धरती खत्म हो जाए, इसीलिए मैंने एक ऐसा गैजेट बनाया है जो कि इस पूरी धरती को बीच से खत्म कर देगा, जैसे ये छोटा सा गोला खत्म हुआ है। अब मैं जल्दी उस डिवाइस को अर्थ के बीचों बीच लगाने वाला हूँ, और उसके बाद मैं अपनी 8 पैरेलेक्स की आंखों से एनर्जी देके इस धरती को खत्म कर दूंगा।
और उस धरती के अंदर मुझे मिलेगा लावा बॉल, जिससे इस धरती को एनर्जी मिलती है, ग्रेविटी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यहाँ पे जीवन पनपता है, उसे कहते हैं लावा बॉल। और लावा बॉल के मिलने से ही मैं पूरे मल्टीवर्स का बाउंटी सकुना बनूंगा। मुझे बाउंटी डैडी से बहुत जलन होती थी, क्योंकि बाउंटी डैडी पूरे यूनिवर्स के बाउंटी डैडी थे, लेकिन आज मैंने उनकी ताकत छीन के ये ऐलान कर दिया है, सकुना जल्दी बनेगा पैरेलेक्स का बाउंटी सकुना। मजा ही मजा। अब ये समय आ चुका है एवेंजर्स के लिए एक छोटी सी सेना तैनात करने का। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और मेरी सेना जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगी। ये लो सेना रेडी, हमला करो एवेंजर्स के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, अब सकुना उसे बुलाएगा जो धरती के ऊपर उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देगा, जिससे धरती के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद जाएगा, और जिसके कारण मुझे मिलेगा लावा बॉल। आ जाओ दुनिया के सबसे बेकार डॉक्टर, डॉक्टर हवर्ड, मैं तुम्हें टेलीपोर्ट करवाता हूँ, आ जाओ। डॉक्टर हवर्ड बोलते धरती के ऊपर आके बहुत अच्छा लग रहा है। सकुना द पैरेलाइज, ऑसम, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, जिस चीज के लिए मैं लाखों साल तक एक टाइमलाइन में कैद हुआ था, और आज मैं वापस आ गया हूँ। डॉक्टर हवर्ड बोलते बेटे, अब देखो बहुत सालों का बदला मैं लेके रहूंगा। तुम तो बहुत बोलते हो, जल्दी शुरू करो अपना काम और अपनी डिवाइस को सेंटर में रख दो और शुरू कर दो धरती का तबाही का मंजर। कुछ ही घंटों में ये धरती तबाह हो जानी चाहिए, समझ में आया तुम्हें? आप इसकी चिंता मत करो डॉक्टर अमर बोलते। ओके, तो मुझे बहुत सारे काम है, मैं थोड़ा यूनिवर्स में घूम के आया। डॉक्टर अमोर बोलते बेटा, फाइनली मेरा ये क्रिएशन जिसे मैं एंटी ट्रांसफॉर्मर रोबो कहता हूँ, वो अर्थ के ऊपर आ चुका है। अब इसे मैं उस डिवाइस में तब्दील कर दूंगा। शुरू करते हैं, ये रहा मेरा हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला रिमोट कंट्रोल बेटे। शुरू करते हैं, शुरू हो जाओ। अब तुम अपने आप धरती के सेंटर में जाओगे, और वहाँ पे अपने आप को उस डिवाइस में तब्दील कर दोगे जो अर्थ को तबाह कर देगी। जाओ पैरेलेक्स को खुश करो, यानी सकुना द पैरेलेक्स को। जल्दी सकुना द पैरेलेक्स बाउंटी सकुना बनने वाला है। डॉक्टर अबर्ट बोलते बेटे, मैं तुम्हें भी आजाद कर दूंगा टाइमलाइन से, लेकिन अभी मेरा धरती के ऊपर स्वागत हो चुका है। बहुत सालों बाद मुझे बहुत काम करने हैं। मैं चला अपने लैब के अंदर, जिसे मैंने सीक्रेट जगह के ऊपर छुपा के रखा है। डॉक्टर हवर्ड इज बैक, जाओ मेरे एंटी रोबो। ये क्या, ये चला भी गया, बहुत तेज हो। डॉक्टर अबोर्ड बोलते बेटे, इट्स टाइम टू रिवेंज, डॉक्टर अबोर्ड इज कमिंग। अले बाप ले बाप सर जी, यहाँ पे तो बहुत साले पैरेलेक्स के चमचे आ गए हैं, क्या करना है? सारे विंजर्स, मुझे लगता है सकुना को पता चल चुका है कि हम लोग उसके रास्ते में आने वाले हैं, तो इन सब को जल्द से जल्द खत्म करो और सकुना की तरफ बढ़ जाओ जल्दी। अले सर जी, लेकिन इनको मारना बहुत खतरनाक है, क्योंकि इन लोगों को कुछ हो ही नहीं रहा। मैं कब से इन लोगों के ऊपर हमला कर रहा हूँ, तुम मान लिए टिकट तय थी, तुम लोग कहते नहीं मानोगे, अब देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ ये ले, अले बाप ले बाप, समझ में नहीं आ रहा है, अब इसका क्या कर लूँ? स्पाइडरमैन, तुम्हें सारी चीजें अकेले करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे सर के सारे एवेंजर्स आपस में लड़ रहे हैं, तो उनके पास समय नहीं है, जल्दी खत्म करो इन सबको। अले यार ओके कर रहा हूँ, मेरे को लगा मैं यहाँ पे पहले इंटली मारूंगा तो मैं हीरो बन जाऊंगा, लेकिन मेरे को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम मान लिए टिकट देती तुम्हें तो मैं थोलूंगा नहीं। ये ले, अब भी लोगों को गुत्ता आ रहा है, अब तू ये खा। अले बाप ले बाप, ये लोगों की आंखें देखो कितनी खतरनाक है, बहुत गुत्ता आ रहा है। पैदल वेव, ये ले 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 ये ले, हा हा।
ये क्या हो रहा है? हल के सामने एक और नई सेना। क्या कहा हल तुमने? एक और नई सेना? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरे टोनी, मैं देख रहा हूँ हल के पास एक और नई सेना जो कि पैरालेक्स की ही सेना है। ये कैसे हो सकता है? सकुना ने तो सारे पैरालेक्स को मार दिया है और उनकी पावर छीन के उसको अपने अंदर समा लिया है। अरे बाबली वांडेबीबी, मेरे पास एक और नई सेना। ये कैसे पॉसिबल है? ये सेना तो पहले ही मर जानी चाहिए थी जब सकुना ने सारे पैरालेक्स को अपने अंदर ले लिया। हो क्या रहा है यहाँ पे? अरे टोनी, ऐसा तो नहीं कि सकुना पैरालेक्स की पावर छीन के खुद को ताकतवर तो करेगा ही और सारे के सारे पैरालेक्स को भी ताकतवर करना चाहता है? ओह माय गॉड, शिट, ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों को लग रहा था कि सकुना पैरालेक्स को मार के उनकी ताकत अपने अंदर लेना चाहता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। सकुना उन सबको और ताकतवर कर रहा है और अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है। अरे लेकिन उसकी ताकत कैसे बढ़ेगी? यहाँ पे मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा रोबोट है, वो कुछ तो कर रहा है। क्या कहा? वो रोबोट दिखता कैसे? पता नहीं, एक ट्रांसफॉर्मर की तरह दिखता है। ओह माय गॉड शिट, यानी एंटी ट्रांसफॉर्मर। ये तो डॉक्टर हवॉर्ड का रोबोट है। इसका मतलब क्या है टोनी? इसका मतलब है डॉक्टर हवॉर्ड का पास्ट का प्लान वापस शुरू हो चुका है। मतलब कौन सा प्लान था? बहुत साल पहले डॉक्टर हवॉर्ड ने एक रिसर्च की थी जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि अर्थ के अंदर एक लावा बॉल है और जो लावा बॉल अर्थ को ऊर्जा प्रोवाइड करती है, ग्रेविटी प्रोवाइड करती है, जीवन दान देती है, उसकी वजह से लाइफ अर्थ के ऊपर पनपता है। लेकिन तब साइंटिस्ट ने उनको गलत साबित कर दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो थ्योरी हकीकत में हो सकती है। हल को ये थ्योरी से लेना देना नहीं है, मैं हूँ हल, तुम सबको तोड़ दूंगा, ये लो। ये क्या हो गया? मेरे सामने एक और सेना, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सारे एवेंजर्स, हमें लगा था सकुना का प्लान छोटा मोटा है लेकिन वो बहुत बड़ा प्लान है। डॉक्टर हवॉर्ड की मदद से वर्थ का लावा बॉल निकालना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो ये थेनोस की एंड गेम की जंग से भी बहुत बुरा हो जाएगा। अरे बापली वांडे बीबी, अब क्या करें? विजय बाबू, हमें कुछ भी करके उस रोबोट को रोकना होगा, लेकिन उस रोबोट को कैसे रोके? वो तो शुरू हो चुका है। कोई बात नहीं, हम उसे रोक लेंगे, लेकिन सारे एवेंजर्स हम सबको एक होना होगा क्योंकि मेरे पास एक ऐसा रोबोटिक सूट है, उसे चलाने के लिए सारे एवेंजर्स को एक साथ यूज होना होगा। कि सारे एवेंजर्स तैयार हो। ले जल्दी ले ली। हल्क हमेशा रेडी। एस्गार्ड की कसम, रेडी। अरे बापली वांडे बीबी और विजय बाबू रेडी है, और टोनी मैं भी रेडी हूँ, शुरू करो, नहीं तो लावा बोल सकुना के हाथ में आ जाएगा और वो सारे पैरालेक्स को बहुत गुना ताकतवर बना देगा। हम लोगों को लगा वो बस पैरालेक्स की सेना की ताकत चुराना चाहता है, हम लोग गलत थे। वो उससे भी खतरनाक चीज करेगा, सारे पैरालेक्स को और पावरफुल बनाएगा। सब लोग असेंबल, मैंने जो लोकेशन दिए वहाँ पे आ जाओ जल्दी। अले सल्जी, हम लोग निकल चुके हैं। अब ये हजार थैनोस से लड़ने जैसी जंग चालू होने वाली है, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। हर बार की तरह अर्थ के ऊपर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लगता है अब उसे वो ताकत देनी ही पड़ेगी। मुझे लगा था फ्रैंकलिन उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन धरती अब बहुत ही बुरे खतरे में है। अब फ्रैंकलिन को वो ताकतें देनी ही पड़ेगी जो इन सारे सिचुएशन को रोक सके। फ्रैंकलिन को बनना होगा दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर लैंटर्न, और उस ताकत को मैं उसे दे सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक सुपर लैंटर्न हूँ, अलग धरती का। और मेरी जैसी ताकत फ्रैंकलिन को देना मतलब बेवकूफी है, लेकिन समय ही ऐसा है कि उसे जल्दी वो ताकत देनी पड़ेगी। फ्रैंकलिन ने अब तक 11 से 12 लैंटर्न्स को अपग्रेड किया है, उनकी ताकतों को अनलॉक किया है, लेकिन जो ताकत मैं उसे देने वाला हूँ वह तक पहुँचने के लिए उसे 100 से 200 लैंटर्न्स की ताकत को अनलॉक करना पड़ेगा। लेकिन अब वो समय नहीं है कि फ्रैंकलिन बचे हुए 150 से 200 लैंटर्न की ताकत अपग्रेड करता बैठे। अब तक वो टीम 4 लैंटर्न के आगे शापित लैंटर्न में अपग्रेड हुआ है, उससे आगे वो जा ही नहीं पाया। ये किस्सा बहुत ही पेचीदा है, लेकिन मुझे वो ताकत उसे सौंपनी ही होगी। फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ, क्योंकि सुपर लैंटर्न एक ताकत नहीं एक जिम्मेदारी है, उसके लिए तुम तैयार नहीं हो, लेकिन धरती को तुम्हारी जरूरत है। आ रहा हूँ मैं। सो गाइस, ये था आज का एपिसोड। आप लोगों को आज का एपिसोड कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना। क्या लगता है फ्रैंकलिन को सुपर लैंटर्न की ताकत देना
सही है या गलत है कमेंट में बताओ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वीडियोस बहुत लेट आ रही है तो उसके लिए सॉरी। अब से मैं डेली से डेली वीडियो डालने की ट्राई करने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दो नई सीरीज लॉन्च होने वाली है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और उनके नाम है द बुक ऑफ बीस्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट और आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाली लैंटर्न नेक्स्ट डेस्टिनी। तो इन दो सीरीज के लिए तैयार रहना और लाल वाले सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना जरूर। और इंस्टाग्राम पे इन सारी सीरीज की अपडेट के लिए फॉलो करने वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे कौर अनादर वीडियो के साथ, तब तक के लिए सुपर बाय बाय।